और मेरा सारा जो रिटायरमेंट का पैसा है वो सब इधर पड़ा है और बैंक से निकाल के यहाँ मैंने डाल दिया है, वो गलती हो गई मेरे से। मेरी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी थी लेकिन आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैंने उसको बार बार जाके उसको पैसा मांगा था बट वो नहीं दे रहा था। मैं सेक्शन जैसा सुब्रत रॉय पे विजय माल्या पे सेक्शन लागू किया पुलिस ने, थैंक्स टू कदम सर एंड सल्यूट टू दिस मैन। हाँ, ये बंदर बोलते हैं कि ही शुड बी लेफ्ट, किस बेसिस पे छोड़े जाएंगे? कंडीशनल बेल है, इफ गिलबर्ट वांट्स टू बी रिलीज्ड ही हैज टू पे ऑल आवर मनी, अदरवाइज क्रिसमस ही कैन स्पेंड इन जेल। सिंपल लॉजिक। और दूसरी बात, इनके इनके वकील बोलते हैं देयर आर नो अटैचमेंट्स टू बी डन। इनके सब शोरूम सब बीपी रोड में खुद का है, शांति बाग खुद का है, लिक्विडी कैश नहीं। मनोज शेट्टी को ब्लेम किया गया, कलेक्टर साहब ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया कल, आई वेंट टू कदम साहब यस्टरडे, ऑर्डर पास किया गया, एक कलेक्टर ऑफिसर ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ऑडिटर होने वाला है, गवर्नमेंट ऑडिटर, सीए ऑडिटर, सीए आने वाला, गवर्नमेंट सीए। इनके पूरे बैलेंस शीट, ऑल बैलेंस शीट आर फॉल्स। इनके खुद के जो मैं आपको बताता हूँ, आई टैप डेल टेल टुडे कि इनका जो तीन जन जो अरेस्ट हुए और जो जेल चले गए, हम लोग कोर्ट में खड़े थे, एक साबियो करके बंदा था, वो बोले माय फादर इज नेल्सन नोवल मैस्किनस, ही इज अरेस्टेड, प्लीज रिलीज हिम। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी, हाउ कैन आई रिलीज हिम? और अगर लॉन्डर्ड हुआ है तो आई थिंक द लॉ हैज टू फाइंड आउट कि कैसे वो पैसे लॉन्डर हुआ है, क्योंकि उनकी बेटी का बिजनेस सेट हुआ है कनाडा में एंड इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाके कनाडा में सन इन लॉ डॉटर वहां पे एक बिजनेस सेट करें। इन दोस्तों, ये सारे लोग मलाइका के इन्वेस्टर हैं। लविना जी, मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, आप लोग कहीं ना कहीं परेशान होने के बाद पुलिस स्टेशन गए होंगे, अचानक से तो नहीं चले गए होंगे परेशान होने के बाद, फिर आप लोग अगर इनके खिलाफ हो तो कुछ लोग जो चंद लोग हैं वो उनके फेवर में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो काफी एजेड है, सीनियर सिटीजन है, उनको ऐसा लग रहा है अगर केस 10-20 साल तो हम तो इंजॉय नहीं करेंगे तो क्या किस लिए हम केस करेंगे। हाँ, और उनकी बातों में आ रहे लेकिन उन्होंने कभी बातों का किसी का ध्यान नहीं रखा। अगर वो कोविड सिचुएशन में थ्रू SMS या करके लोगों को बोल देते थे क्या पैसा आपका मेरे पास है, मैं जैसे खुल जाएगा मैं आपको दे, उस पीरियड में फर्स्ट टाइम हमने भी कोविड जैसा सिचुएशन फेस किया, उस टाइम इतना स्ट्रेस हो गया लाइफ को क्या पूछो मत। तो इसके कारण लोग समझते हैं कि पैसा वो दे देगा लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं लगता है। हम काफी टाइम हमने इन्वेस्ट किया, ये हमारा कॉल था तो हमारा ही कॉल है कि हम लॉ से मिले, क्योंकि वो उसका इंटेंशन दिखा नहीं हमको देने का, फिर हम गए उसके पास। मीरा रोड पुलिस स्टेशन से किस तरह का सहयोग मिला आपको? सर काफी अच्छे थे, इंस्पेक्टर सीनियर इंस्पेक्टर संदीप कदम ने काफी हेल्प किया। काफी बार हमने उनके पास ये भी बोला कि लोग आपको डाउट कर रहे हैं लेकिन उनमें इतना पेशेंस था, वो हमसे चिढ़े नहीं, ये बात को उन्होंने बहुत पेशेंटली लिया और हमको बोला नहीं सर मैं आप ही के लिए, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग बूढ़े आ रहे, मेरे को देख के उनको दुख होता है, इसके लिए मैं आपको हेल्प करेंगे। और स्टेटमेंट देने लेने वाले विकास तामन ने और महेंद्र सर इतने अच्छे थे, लोगों को विश्वास दिलाया कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा जितना जल्दी हो सके मिल जाएगा, पहले के जैसा सिचुएशन नहीं जो 20 साल लगेगा 10 साल लगेगा। ये सब लोगों की अफवाह स्प्रेड हो रही है लेकिन वो बोल रहे कि जल्दी से जल्दी अभी बहुत फास्ट ट्रैक में जाता है ये केस। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका पैसा जो है अब इनके पास चला गया है तो आने के कुछ चांसेस नहीं है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले के जैसा सिचुएशन नहीं है कि अब किसी चीज को 10-20 साल लगते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत से मामले में जो है बहुत जल्दी जल्दी फैसला आता है, और इस मामले में भी जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो लोग हैं वो लोग भी कोशिश करके इनकी अगर प्रॉपर्टी वगैरह सीज करते हैं तो आप लोगों को पैसा जल्दी मिलेगा। क्या नाम है आपका और क्या कहें? मेरा नाम क्लारा है। मैंने उसको बार बार जाके उसको पैसा मांगा था बट वो नहीं दे रहा था। मैं आपने बार बार पैसा मांगा क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया कि मैं देंगा अगले हफ्ते। कितना टाइम मेरे को बोलता अगले हफ्ते, पर उसने कुछ पैसा नहीं दिया। फ्रॉम जुलाई आई एम गोइंग नहीं दिया। तो मैंने इसको बोला सर आपका अभी मेरे पास, वो बोलते मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँ। ये बिल्कुल सीनियर सिटीजन मुझे दिख रही हैं। आपका नाम क्या है, क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम अरुणा रिबेरो है। मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत सालों से यहाँ पैसा जमा कर रही हूँ, इवन इंटरेस्ट जो मिलता था वो भी नहीं लिया, उसका भी मैंने वापस FD बना के मैंने कुछ इंजॉय नहीं किया उसमें से, और मेरा सारा जो रिटायरमेंट का पैसा है वो सब इधर पड़ा है
और बैंक से निकाल के यहाँ मैंने डाल दिया है, वो गलती हो गई मेरे से। और अब मैं अभी 25 मेरा FDs लेके गई थी अभी अगस्त में, और मैंने लेटर लिखा था नंबर FDs का नंबर्स और जो रिकरिंग डिपॉजिट का नंबर्स, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा पत्ते जैसे खेलते हैं वैसा ऐसा ऐसा देखा, बोला सितंबर में आना, मिड सितंबर में। तो मिड सितंबर में मैं गई तो वो नहीं थे। कितना अमाउंट था आपका? मेरा काफी अमाउंट था। देखिए दोस्तों, ये एकदम सीनियर सिटीजन है। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं परेशान होने के बाद ही तो पुलिस स्टेशन गई होंगी, इतना सीनियर आदमी, इतना सीनियर सिटीजन, और जो बोलता है कि 20 साल से संस्था चल रही है, सब कुछ चल रही है, अगर पैसा मिलता तो इनको क्यों नहीं मिलता? लोग ने कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा था लाइफ में, फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा, और वो भी हमको मजबूरन जाना पड़ा पुलिस स्टेशन पर, क्योंकि हमारा इतना सारा पैसा, पूरा मेरा जितना रिटायरमेंट का, ग्रेचुटी का, PF का, सब कुछ जो कुछ मिला था सब इधर पड़ा है। इन्होंने कहीं ना कहीं भरोसे पे पूरा पैसा डाल दिया। आपका क्या नाम है, क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम हेलेन परेरा, मैं मलाड मलवनी से हूँ। हम लोग एजेंट के थ्रू पैसा डालते थे। मेरा जनवरी से मेरा पूरा मैच्योरिटी हो गया, मैंने एजेंट को बोला मेरा पूरा विड्रॉ करने का, जनवरी से मेरा जितना पैसा है सब विड्रॉ करो, लेकिन एजेंट ने क्या किया, विड्रॉ किया ही नहीं है। हर बार वो दोबारा मैच्योरिटी के बाद दोबारा उसने उसमें डाल दिया। मेरे को जनवरी से मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मैं 2-3 बार आके गई इधर, लेकिन हम लोग को इवन उसका ऑफिस भी मालूम नहीं था, बैंक भी मालूम था किधर है करके, लेकिन पूछ पूछ के हम लोग आए इधर थे, 2-3 बार आए, लेकिन हम लोग को एक पैसा भी नहीं मिला। खाली एक चेक लिख के रखा है, लेकिन वो चेक में साइन नहीं किया उन्होंने। हम लोग को वो चेक का रिसीट हम लोग को व्हाट्सएप थ्रू भेजा है, लेकिन उसमें साइन भी नहीं किया, हम लोग को एक पैसा भी उन्होंने नहीं दिया। गिलवर्ट ने कभी टाइम टू टाइम अश्योर किया कि आप लोग रुकिए, हम आपका पैसा देंगे? हाँ, हम लोग को बोला मिलेगा मिलेगा मिलेगा, किधर जाएगा, लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जनवरी से कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। जनवरी से अब दिसंबर चल रहा है, आप लोगों को कोई पैसा नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला है, एक पैसा भी नहीं मिला है, पूरा उधर ही पड़ा है पैसा। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? इमिलिया डिसूजा। सर, मेरा मिस्टर का रिटायरमेंट का पैसा 2018 फर्स्ट जून से जैसे जैसे उसको पैसा मिल रहा था, तो हम लोग ने वो एग्जामिनर के पीछे उधर पे एड दिखाया, तो मेरा मिस्टर को पूरा ये था कि ट्रस्ट था कि डालेंगे उसमें पैसे, तो उन्होंने बोले कि यू कॉन्टेक्ट 100% कोई तो था एजेंट। मैंने बोला तो आई कैन गो टू मीरा रोड, आई विल गो एंड आई विल पुट द मनी माई सेल्फ। तो जब भी मैंने डाला था तो वी हैव पुट अबाउट मोर देन 19 लाख, लेकिन 19 में ऐसा डबलिंग के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा बराबर अच्छा नहीं ये करके, तो मैंने मेरा मैसेज को झगड़ के मैंने बोला आई विल गो टू द ऑफिस एंड विड्रॉ द मनी। तो मैं 2 बार गई ऑफिस में, मैडम मिली, मैसलिन मैडम, तो मैंने मैडम को बोली मैडम, मैं झूठ बोली कि माई सन वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट मनी टू सेंड हिम अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, तो वॉट एवर आई हैव पुट आई वॉन्ट द मनी। और मैंने कुछ पेपर लेके गए दिखाने के लिए, तो शी सर ओके आई विल गिव यू बट इन 2 पार्ट्स। दिया उसने, पैसा जमा हुआ, फिर बाद में मैंने और कुछ नया शुरू किया, लखपति योजना कुछ ऐसा 6 ईयर्स का 10,990, अभी वो है बस। हाँ, वहाँ पे, लेकिन आपका एक अमाउंट है। हाँ, आ गया और वो पहले का। हाँ, नहीं दे रही थी मुझे मैडम, मैं बोली कि आई एम नॉट लिविंग ऑफिस, मैं इधर ही बैठेगी, आप मुझे सेकंड टाइम आई कैन नॉट कम फ्रॉम नाइगांव टू मीरा रोड 10 टाइम स्पेंड मनी ऑन रिक्शाज एंड कम हियर। मेरे अम्मा का पैसा है उसमें, और जनवरी से मैं उससे, जनवरी से लॉकडाउन का पहले से वहां जा रहा हूँ, तो उन्होंने जनवरी के बाद में समझो मार्च तक आ जाओ बोला, पैसा तुम्हारा मैच्योरिटी है, प्री मैच्योरिटी नहीं दे सकते, मैच्योरिटी का टाइम में देगा बोला। तो मैच्योरिटी में गया, तो फिर बाद में कोविड का बहाना करके खींच लिया, 3 महीना फोन भी कुछ नहीं उठाया, SMS भेजता था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए था तो दिया नहीं, तो बहुत बार 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 उनको फोन करके, मनोहर शेट्टी को भी फोन किया, पैसा देता बोल के अगले हफ्ते में डालेगा तुम्हारा अकाउंट में बोल के, पैसा आया ही नहीं। अगले हफ्ते बोलते चले गए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गिलवर्ट को अगर छोड़ दोगे तो गिलवर्ट पैसा दे देगा, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जुलाई का ऐसा दो दिन में बुलाता था रेगुलर में, ऐसा 15-20 दिन सामने बिठा के बात करता था, आज दूंगा कल दूंगा, अब 12 बजे के बाद आओ सब लोग निकल जाएगा, आपको अलग से दे दूंगा, ऐसा हमेशा बोलता था। फिर बाद में अगस्त का 15-20 दिन पहले उन्होंने 2 चेक दिया मेरे को,
लंबा डेट का दिया और बाद में उसके बाद फरार हो गए। आपका क्या नाम है? और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर गिलबर्ट को छोड़ दिया जाए, यानी पुलिस डिपार्टमेंट से यानी कोर्ट से छोड़ दिया जाए, तो वो पैसा दे देगा। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो तो ऐसा कुछ पैसा तो देने वाला नहीं है, क्योंकि उसके दोनों भी अकाउंट में उसका बैलेंस जीरो दिखा रहा है। और उसका जो लॉयर है प्रफुल पालीवाल, जो ऐसे बोल रहा है कि वो दे देगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में तो कुछ सामान पड़ा ही हुआ नहीं है, खाली उसका मीरा रोड में एक ही दुकान है, बाकी का दुकान सब उसका भाड़े पे है, और जो भी दुकान में सामान पड़ा है वो खाली डिस्प्ले का है। बोलते 25 से 30 दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, सारे दुकान में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, और गिलबर्ट अगर बाहर आएगा तो वो सब बेच के पैसा दिया जा सकता है, क्या लगता है आपको? उसके दुकान में जो भी सामान पड़ा हुआ है वो सब खाली डिस्प्ले का सामान है, उसने थोड़े बहुत सामान दिया पब्लिक को, जो उसके स्टाफ है उनको सैलरी नहीं दिया, सैलरी के बदले में उसने सामान दिया, लेकिन वो भी सामान चल नहीं रहा है, और उसके बावजूद जो भी सामान जिसने लिया, जब भी टेक्नीशियन को बुला रहे तो टेक्नीशियन आ रहा है घर पे रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो हमारे से पैसे मांग रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन को वो कुछ पैसे भी नहीं दे रहा गिलबर्ट। क्या नाम है आपका? फ्रांसिस डिसोजा। आपको लगता है कि पैसा नहीं मिलने वाला? नहीं, नहीं मिलने वाला है। अगर वो उसका लॉयर प्रफुल पालीवाल स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी वाइफ जो घर पे बैठी वो क्यों नहीं वीडियो बना के स्टेटमेंट दे रही कि क्या हो रहा है करके, क्यों उसका लॉयर स्टेटमेंट दे रहा है? और उसकी वाइफ क्यों नहीं पैसे दे पा रही है? पैसे दे पा रही है और स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? थैंक यू। आपको क्या लगता है कि उनकी वाइफ, जो अभी समझिए गिलबर्ट अंदर है और गिलबर्ट के साथ उनकी वाइफ भी थी, उनसे भी मिली होंगी आप लोग, तो आपको क्या लगता है कि अगर गिलबर्ट अंदर है और उनका इंटेंशन अच्छा है तो वो आप लोगों को बुला करके आप लोगों से मिलने की कोशिश की, या फिर पैसे देने की कुछ बात हुई क्या? नहीं। क्या लगता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाएगा गिलबर्ट को तो पैसा दे दिया जाएगा? नहीं देगा वो। नहीं देगा। कितने टाइम से आप परेशान है अपने पैसे? हम लोग एक साल से जा रहे, कितनी बार गए, एक्चुअली मेरे डैडी का है इसमें, कितनी बार आए गए, लेकिन कभी उसने एक रुपया भी दिया नहीं हमको, नहीं दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन का पैसा है, मैंने जैसा कि दिखाया यहाँ पे हमारे साथ कुछ है। क्या नाम है सर आपका और क्या मैसेज है? जोसेफ करवालो है मेरा नाम, और मैंने उनके पास से मेरा वेरिकोस वेन के लिए पैसे मांगे थे, तो बोला कम से कम मेरा पूरा नहीं देता तो कम से कम उतना दो, और मेरा लड़की का अब शादी भी है नेक्स्ट मंथ में, तो मैं बोला उसके लिए दो, भाई एक साल हो गया उसको, मतलब मार्च से मैं पूछ रहा हूँ उनको, आ जाओ कल आओ, और मैं हमेशा मुझे दूर रहता हूँ ना, तो रिक्शा से आता जाता था, तो उन्होंने आश्वासन देते थे लेकिन डेट नहीं देते थे। आश्वासन दिया लेकिन वो डेट कभी नहीं आया कि आपको पैसा मिले। इवन मैंने ये भी मांगा था उनसे, मैं बोला मेरा मुद्दल मत दो, डोंट गिव मी द प्रिंसिपल, एटलीस्ट मेरा एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट है वो तो दो, वो भी नहीं दिया उन्होंने। कितना अमाउंट है आपका? मेरा है कुछ लाखों में। क्या आपका आप क्या बोलेंगे? कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गिलबर्ट को रिहा करो, गिलबर्ट को छोड़ दो, वो पैसा दे देगा, ऐसा लगता है क्या? आप भी डिपॉजिटर हो? मैं भी डिपॉजिटर हूँ, मेरा लाखों में है, और मैं उसका नवम्बर से गया था, नवम्बर में मेरा 12 लाख का मैच्योरिटी हो गया था, मैं बोला उसको नहीं दिया, बोला 15 दिन के बाद आओ, बाद में बोलता और 15 दिन के बाद में, उतने में मेरा 4 लाख का वापस मैच्योरिटी हो गया, वो भी नहीं दिया, बाद में बोला एक महीने के बाद नहींगा, वो नहीं दिया, तो हम लोग ने फिर बाद में लासन से ग्रुप बनाया और उसको मीटिंग में बुलाया, हम लोग सब मीटिंग में बुलाया, पहला एडगर का ऑफिस में बुलाया, बाद में उनका खुद का ऑफिस में बुलाया तो नहीं आया, फिर थर्ड मीटिंग हम लोग टाइमलेस होटल में बुलाया उसको, आ जाओ हम लोग से बात करो, हम लोग इन्वेस्टर सब लोग आएंगे आपके साथ बात करेंगे, वो नहीं आया, फिर हम लोग वापस कदम साहब के पास गया, सीनियर इंस्पेक्टर मीरा रोड पुलिस स्टेशन, और उसने बोला हम लोग, मैं उसको बुलाता इधर पुलिस स्टेशन में, हम लोग मीटिंग लेंगे और वो जो क्या बोलता है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग 11 बजा 12 बजा 1 बजा 2 बजा 3 बजा 4 बजा, फिर साहब बोला, मैं बोला साहब मैं डायबिटीज पेशेंट है, मेरे को अभी खाना मांगता है, इंसुलिन मांगता है, मैं निकल सकते हैं, तो फिर भी उसने नहीं दिया, और मैं पर्सनली उसको मिला, उसका वाइफ को बासिलियन को, क्यों वो मेन 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 पर्सन था, डायरेक्टर
डायरेक्टर का हिसाब से वो बहुत काम करते थे उधर सकपा इन्वेस्टिंग मनी वो बोल वचन करके सब। कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन करने से पहले आप लोगों ने उनको बार बार कहा कि आप आओ हमसे मिलो मुलाकात करो हमें अश्योर करो, लेकिन बार बार करने के बाद भी वो नहीं आए, उसके बाद एट लास्ट आप लोग तक हार करके आप लोगों ने जाके कंप्लेन किया। यस यस सर, दैट इज राइट, करेक्ट। क्या नाम है आपका और क्या मैसेज है आपका? हमको पैसा नाम पैसा मिलना चाहिए, ठीक। आपकी क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है कि गिलवर्ट को अगर छोड़ दिया जाए, यानी गिलवर्ट अरेस्टेड है, जेसी में है, जेल कस्टडी में, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो पैसा दे देगा? मलाइका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वॉज मैनेजिंग द मासेस। नाउ इन दिस वंस डायनेमिक डेयरिंग एंड डैशिंग मैन is literally surviving with struggle, stress and strain. As the saying goes, jaise kaha jata hai ke bhuke pet bhajan na hoye. Likewise, in this sorrowful, sad and sinking state of my life, main ye nahi bata paunga, I am not in a position to judge whether some group who is fighting for the release of Gilbert Baptist is right or whether a lone crusader who is fighting in his way to get everybody's money is wrong. Likewise, I will not speak of any religion, caste or creed. Same way I won't say her money, his money. It is a question of our money. I would want to ask everybody whether group A, group B, I would want to ask even the law, that is the police and the fine Indian judiciary system, as well as anybody of you and the groups, can anybody answer my big question? Our money, when, how much, and how will be given to us? If anybody can answer me any of these three questions, I think my purpose of addressing this very honored gathering would have been completed. There is no home for me. I am but staying in a hamlet in Naigaon. But that's not my home. I am homeless, jobless, penniless. I am a retired man. And I speak the truth which is as powerful and as shiny as the sun. Few people in the world know what I am speaking. So, mere paas ghar the. मेरी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ क्योंकि आपने मलाइका में इन्वेस्ट कर दिया। यकीनन और भी कुछ वजह हैं, लेकिन फिलहाल ये ही एक मुख्य मुद्दा और वजह भी है। लालसन जी, देखिए, मैंने डे फर्स्ट से आप लोगों के बारे में जब आप लोगों ने कहा, इन्वेस्टर ने कहा कि हमें अपनी समस्या रखनी है, सामने रखनी है, मैंने रखा। उसमें से एक इन्वेस्टर ऐसी भी थी जब वो मेरे कैमरे पे आकर के रोई थी, गिड़गड़ाई थी पैसे के लिए, और फिर कुछ दिन के बाद वो इन्वेस्टर मुझे फ़ोन करके बोलती है कि आपने मेरा वीडियो क्यों चलाया, आप मेरा वीडियो निकाल दो। जबकि उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो रैंडम इंटरव्यू कर रहा था, वो लेडी खुद से आई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा कहा। ऐसे में हम मीडिया को भी लगता है कि पता नहीं आप जो बोल रहे हो दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, कल आपको मालूम हो रहा है कि कल आप बोलो नहीं मैं तो आपने जबरदस्ती बुलवा लिया, जबकि जबरदस्ती कोई इंटरव्यू नहीं होता है। दूसरी बात, अब देखता हूं मैं कि आप लोगों में एक ग्रुप बन गया है, अब ग्रुपबाजी है, एक को कोई और लीड कर रहा है और वो ये कह रहा है कि गिलवर्ट को छोड़ो तो पैसा मिलेगा। अभी यहां पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी उनको चांस 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 दिया, उन्होंने टाइम 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 दिया, हम टाइम टाइम पे गए, थक गए, उसके बाद जाकर के हमने ये स्टेप उठाया। तो आखिर क्या लगता है आपको, क्यों लोग ऐसे मिसगाइड हो रहे हैं? जबकि एक कंपनी उठ गई, वो बोलते हैं कि 25 से 30 दुकानें हैं उनकी, बहुत सारे शोरूम से, जब मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो बोलते हैं एक या दो दुकानें उनकी खुद की है, बाकी सब भाड़े की है, अंदर माल नहीं है। ये सब क्या है, क्या क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और कदम साहब को भी, और जितने भी पुलिस ऑफिसर हमको सपोर्ट किए, दाते साहब, कमिश्नर साहब, और विजयकांत सागर साहब। अफ्ताब भाई, ऐसा है कि जैसा आपने जो बोले कि वो लेडी जो थी जो लास्ट टाइम कैमरे पे आके हम लोग के सामने रोई,
वही लेडी एक ग्रुप में इस ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि गिलबर्ट जैसा आदमी, मार्सलिंग जैसा और जैसी औरत और उसके वकील अपने डिपॉजिटर को धमकाते कि आप चले जाओगे तो आपका आपके पीछे टैक्स वाले लग जाएंगे, इनकम टैक्स मांग पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आए। ये इस लेडी का मैं नाम आई डोंट टेक अ नेम बट शी कॉल्ड अस, शी हैड अ वर्ड विद अस एंड सेड माय हस्बैंड इज ऑन डायलिसिस, ओके आई गेट राशन फ्रॉम द चर्च, सो आई रिक्वेस्ट डोंट पुट डोंट इम्प्लिकेट मी, आई वांट टू लीव द ग्रुप पीसफुली। तो उनको हमने जो भी उसने पैसा भरा था 1000 रुपया शायद अपना वकील साहब को, वी गेव दैट मनी बैक टू अर। बट दिस ग्रुप दैट इज फॉर्मड अगेंस्ट अस वी डू नॉट नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टेल एवरीबडी इफ यू वॉन्ट टू रिलीज गिलबर्ट as I said last time, you pay all our money and we will surely get him released. We'll sign an affidavit in court. But if you are going to, you know, there are some, aap depositors say that... मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि अगर आप जो लोग बोल रहे हैं वो अगर ये कहते हैं कि गिलबर्ट को रिलीज कर दो, गिलबर्ट पैसा देगा, आपने कहा कि आपने उनसे कहा कि आप हमें पैसा दे दो, आप हमें एश्योर कर दो, हम दे देंगे। हमने ये एक इंटरव्यू देखा, उसमें लोग बोलता है हम क्यों देंगे पैसा। तो अगर इनको ये कहना है कि इनको इतना इतना तकलीफ हो रही है कि हमने बताया कि भाई अगर आपको पैसा, अगर आपको चाहिए कि आपका गिलबर्ट सेठ या गिलबर्ट सर आपके गिलबर्ट सर को हम रिलीज करें, हमारा पैसा दे दो, तो इस सिंपल लॉजिक इफ यू वॉन्ट टू बी रिलीज यू पे ऑल आर मनी एंड यू डील विद गिलबर्ट लेटर ऑन। Okay, if we are when we filed FIR, nobody was with us. We are struggling all by ourselves, and today we are still struggling. And today, as a lawyer stands in court, his lawyer Praful Paliwal fooled the court in the very first time. Balka Sahab on the first floor when he said MPD 3 and 4 is not lagu. Section jaisa Subrata Roy pe Vijay Mallya pe section lagu kiya police ne. Okay, thanks to Kadam sir and salute to this man. हाँ, ये बंद लोग बोलते हैं कि ही शुड बी लेफ्ट, किस बेसिस पे छोड़े जाएंगे? Conditional bail है. If Gilbert wants to be released, he has to pay all our money. Otherwise, Christmas he can spend in jail. सिंपल लॉजिक। और दूसरी बात, इनके वकील बोलते हैं देर आर नो अटैचमेंट्स टू बी डन। इनके सब शोरूम सब बीपी रोड में खुद का है, शांति बाग खुद का है, लिक्विडी कैश नहीं। मनोज शेट्टी को ब्लेम किया गया, कलेक्टर साहब ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया कल, आई वेंट टू कदम साहब यस्टरडे, ऑर्डर पास किया गया, एक कलेक्टर ऑफिसर ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ऑडिटर होने वाला है, गवर्नमेंट ऑडिटर, सीए ऑडिटर, सीए आने वाले, गवर्नमेंट सीए। इनके पूरे बैलेंस शीट, ऑल बैलेंस शीट्स आर फॉल्स। इनके खुद के जो मैं आपको बताता हूँ, आई टैप डेल टेल टुडे कि इनका जो तीन जन जो अरेस्ट हुए और जो जेल चले गए, हम लोग कोर्ट में खड़े थे, एक साबियो करके बंदा था, वो बोला माय फादर इज नेल्सन नोवल मैस्किनस, ही इज अरेस्टेड, प्लीज रिलीज हिम। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी, हाउ कैन आई रिलीज हिम? तो बोलते हैं नो यू फाइल्ड, आई से वी फाइल्ड कंप्लेंट योर फादर डायरेक्टर। बोलते गिलबर्ट ने हमारा पैसे भी खाया है, अभी हम केस करेंगे उस पर। अगर जिसको तकलीफ है, गिलबर्ट अरेस्ट हुए, जिसको तकलीफ हो रही है और जिसको बहुत प्रॉब्लम है हमसे, ओके, हमने गिलबर्ट को एक ने 10 बार हमने बुलाया, टाइमलेस होटल में बुलाया, ओके, कदम साहब का कैबिन में बुलाया, हमने अपने उनके ऑफिस में गए, मुझे अकेला बुलाया गया, जब हम लोग 20 जन थे, और मैंने बोला कि नहीं हम सब साथ में आएंगे अगर आना है तो। और लोग ये ग्रुप बोलते हैं कि हमारा पर्सनल गेन है, किस बात का पर्सनल गेन भाई? मुझे याद है कि उनके वकील ने कहा कि गिलबर्ट के पास 50 लाख रुपए भी नहीं है, अगर 50 लाख रुपए होता तो जब पहली बार लोगों ने कंप्लेन किया था तो उसी वक्त देता, जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, करोड़ों रुपया उसने लिया है, तो आखिर है कहां वो पैसा? यानी अगर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसके पास 50 लाख रुपए नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है, तो उसका वकील ये कहता है कि अभी अगर आप लोगों ने जो है केस वापस नहीं लिया, केस 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ये तो डराने वाली बात हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर के पास आदमी थक हार करके जाता है, परेशान होकर के जाता है, लास्ट ऑप्शन वही रहता है कि चलो अब ये लोग नहीं दिया तो सरकार, गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस, जो जज, कोर्ट, कचहरी, यहां से मुझे इंसाफ मिलेगा, अब उसके अलावा वो लोग क्या करे। ऐसे में भी लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि नहीं यार आप छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, ये लोग तक हार्ड अर्न मनी है, ऑलमोस्ट सब के सब मुझे लगते हैं कि सीनियर्स हैं, और सब ने पैसा इसलिए रखा होगा कि चलो यार हमारा घर ठीक से चल सके, हमारे बुढ़ापे में काम आ सके। अब ये लोग के पास लाखों लाख रुपया जो जिन लोगों ने लगाया है वो इस तरह से परेशान है, और उसकी एक बार पैरवी की जाती है कि नहीं उसको छोड़ दो, ये कहीं ना कहीं मुझे भी गलत लगता है। लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे? एक बात बोलना है गिलबर्ट को और जो भी ग्रुप्स है, जो भी कर रहे हैं, गिलबर्ट अगर इफ रियली यू वांट टू पे अप द स्मॉल डिपॉजिटर्स हु हैव मनी, स्टॉप पेइंग न्यूज पेड चैनल्स एंड स्टॉप पेइंग न्यूज़पेपर चैनल्स मनी टू पुट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज इट्स नॉट थ्रू। और आपके वकील साहब को बोलना चाहता हूँ मैं कि इनके प्रॉपर्टीज हम जरूर सील करेंगे, आप गुमराह मत करो लोगों को, आपने कोर्ट को गुमराह किया था, हमको सब पता है, सब लोग खड़े थे वो टाइम पे, एम्पायरिंग सेशन लगे थे, आपने बोला कोर्ट में कि कुछ नहीं है, 420 है,
तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर ऐसा कुछ है कमेंट टॉक टू अस। गिलबर्ट को बहुत सारे चांसेस दिए और गिलबर्ट से पैसा चाहिए हमारे को। गिलबर्ट अगर सही में जो वैन में जो लास्ट न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था वो प्लीज गिलबर्ट सर आपको कुछ बोलना है उनके दिल में कुछ रहता अगर ही हैड रेड केयर एंड लव फॉर ऑल द डिपॉजिटर्स ही वुड गिव अ स्टेटमेंट से यस लेट मी कम आउट आई विल पे योर मनी। उसको फिकर नहीं था उसको ही डिडंट वांट टू गिव इन कमेंट तो इट शोज कि ही इज लीस्ट बॉदर्ड। So his best place is to be in jail. If he wants to come out, he has to pay all our money and then we will leave him. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये जो डिपॉजिटर्स हैं जो परेशान हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है अपने पैसे को रिटर्न लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट जो है और पुलिस और कोर्ट अपना काम जल्द करे ताकि इन लोगों को वो पैसे मिले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें से वो डिपॉजिटर्स जो गुमराह हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि गिलबर्ट बाहर आ जाने से पैसे देगा वो दे देगा, अगर उनमें से कोई लोग अपनी बात सिटी हेडलाइंस न्यूज के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी भी बात रखेंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अब तक जो भी कंपनी एक बार उठ गई वो दोबारा कभी पैसे वापस नहीं लौटा पाई। अगर किसी का पैसा मिला है तो ऑनरेबल कोर्ट के जरिए ही मिला है, उसने खुद से कभी भी पैसा वापस नहीं दिया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो ऐसे गुमराह भी लोगों को नहीं होना चाहिए, गुमराह भी ना हो। और अगर आपको इतनी ही गुमराही है तो आप कम से कम उनके लॉयर को छोड़ करके आप अपने पर्सनल किसी लॉयर से बात करोगे तो वो आपको सही बताएंगे, बशर्ते वो लॉयर ऐसा नहीं कि वो गिलबर्ट का ही लॉयर हो या किसी एक पर्टिकुलर लोगों का लॉयर हो, हर जगह पर लॉयर है। आप वहाँ पर जाके बात करेंगे तो आपको ज़रूर इस बारे में जो है पूरी जानकारी मिलेगी कि पैसा आपको किस तरह से मिल सकता है और किस तरह से नहीं मिल सकता है। करीबन 16,000 जैसा कि 16,000 के आसपास जो है डिपॉजिटर है, 16,000 के आसपास डिपॉजिटर, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट में। और उसी का वकील स्टेटमेंट देता है कि 50 लाख भी गिलबर्ट के पास अगर होता तो वो दे देते थे, जबकि ऐसा सूत्रों की मानो तो उनके जो वकील हैं वो हाई पेड वकील हैं, उनको बहुत बड़ा पैसा पेमेंट किया जाता है उन वकीलों को, पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। बताइए आपको देना है सर इनके जो स्टेटमेंट्स है कि लिक्विड कैश बिल्कुल नहीं है, इनके प्रॉपर्टीज जो है अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीदे हुए लेकिन वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है बैंकों में से, उनके गाड़ियों का भी मॉर्गेज है, उनके उसमें लोन है घर पे, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज है 50% प्रॉपर्टी मॉर्गेज बाय गिलबर्ट टू द बैंक्स, सो ही हैज नो मनी। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू डू नॉट गो बाय हिज फॉल्स लाइज, ओके, वी स्टिल हैव टाइम, जॉइन अस, वील फाइट फॉर जस्टिस, इट टुक अस 2 months टू पुट हिम बिहाइंड बार्स, बाय गॉड्स ग्रेस वील फाइट टू फिनिश एंड वील गेट द मनी आउट एंड वी देन वी विल लेट हिम स्कॉट फ्री। मैं मिनेजिस बोल रही हूँ, मैं भी अभी कांदिवली से आई हूँ भाग भाग के इसके लिए, थोड़ा डिस्टर्ब थी जो उनका लॉयर ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, क्योंकि वो सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनके को कोई शोरूम्स नहीं है खुद के, 30-40 जैसे उसने बोला है, शायद एक दो शोरूम्स रहेगा, वो भी लॉकडाउन से पहले ही बंद हुआ था। पैसे की बात हो रही है तो मुझे लगता है जो लॉन्डर किया हुआ होगा उनकी बेटी के लिए कैनेडा, दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू द मैटर। सिर्फ ऐसे ही बात करके नहीं होगा, वी हैव टू सी कि हमारे जो पैसे थे, क्योंकि लॉकडाउन तक लोगों डिपॉजिट कर रहे थे वो पैसे, तो वो पैसे कहाँ पे गए? और अगर लॉन्डर्ड हुआ है तो आई थिंक द लॉ हैज़ टू फाइंड आउट कि कैसे वो पैसे लॉन्डर हुआ है, क्योंकि उनकी बेटी का बिजनेस सेट हुआ है कैनेडा में एंड इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाके कैनेडा में सन इन लॉ डॉटर वहाँ पे एक बिजनेस सेट करें। तो अगर हमारा पैसा है तो हम हमारे पैसे ही मांग रहे हैं, उसके पैसे नहीं। और अभी भी उनकी वाइफ वगैरह जो उनकी जो 4 crores या 5 crores का जो घर है गोरेगांव में, वो क्यों नहीं लिया गया है कस्टडी में? और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है उनकी वाइफ ने ही तो साइन किया है सर, इनकी वकील तो ये है इनकी वाइफ की सिग्नेचर। और लोग कहते हैं कि मार्सलिन को भी छोड़ो, मार्सलिन 2015 तक सीईओ डायरेक्टर थी। और एक है रिसीट है, ये मार्सलिन का सिग्नेचर है, प्लीज जूम, दिस इज मार्सलिन सिग्नेचर, आई एम बैप्टिस्ट, तो शी शुड नॉट बी बिहाइंड बस, या नो प्रॉब्लम। सर मुझे और एक बात बोलना है, जैसे कि इनके वकील ने कहा था ना कि अगर गिलबर्ट पैसा होता तो बैंक ट्रांजेक्शन होता, देर इज हवाला ऑल्सो इन प्लेस, हवाला भी हो सकते हैं पैसों की। अरे लेकिन पैसा नहीं है तो निकल के वो पैसा कैसा दे देगा? स्टार्टिंग में जो हमारे तो उसने स्टार्टिंग से ही 2015 से ही जब उनकी बेटी की शादी हो गई थी
तब से मुझे लगता है ये प्लान चालू था, लेकिन ये लॉकडाउन आया इसीलिए वो यहीं पे झगड़ गए, नहीं तो हम बच गए। नहीं तो उनका जनवरी फरवरी में उनका वो जाने का ये था क्योंकि उनकी बेटी का डिलीवरी था वहाँ पे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो यहाँ पे फंस गए। आगे अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।